नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी देख रहे हैं श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी अन्नपूर्णा का भंडारा निष्कुल जैसे चलाते हैं साधु संतों पुरुषों को। और इसमें एक विशेषता इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी बानर सेवा तो करते हैं, देख सकते हैं आप बंदरों को किस प्रकार से केले का प्रसाद खिला रहे हैं। और साधु संत महापुरुषों को और अनेक प्रकार के भक्तों को अपने हाथ से भंडारा प्रसादी बांटते भी हैं और बनाते भी हैं, ऐसा अद्भुत सा ये दृश्य देखने को हमें मिलता है। ये सब्जी बना रहे हैं और यहाँ पर गौशाला में अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी और अपने गौरी गोपाल आश्रम में देख सकते हैं विद्यार्थियों को अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, जो कि संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कार इनके अंदर कूट कूट के भरे जाते हैं। और अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी को गौरी गोपाल आश्रम के महाराज जी जो हैं उनको गौ सेवा, बानर सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा और अन्नपूर्णा भंडारा चलाना बहुत अच्छा सा लगता है। बहुत इनका सरल भाव है और अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी की कथा मैं बहुत सुनता हूँ और इनके भजन बहुत मीठे होते हैं, इनके भजन भी सुनता हूँ। तो सोचा आप लोगों को अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी की महानता के बारे में बताया जाए, जो कि वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। सुप्रसिद्ध कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी, इनके बाल बहुत सुंदर हैं। अगर आपको भी ये वीडियो लगती हो या आपको अनुरुद्धाचार्य जी महाराज अच्छे लगते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। गौरी गोपाल आश्रम अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी की कथा वृंदावन में ही चल रही है। हालांकि ये अभी बागेश्वर धाम सरकार के धाम में भी गए थे और इनके धाम पर पुंडोकर धाम सरकार भी आए थे। तो आप लोग ये क्या इनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, भेज दीजिए, और इसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे अगली वीडियो में। जब तक लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे और श्याम मिला दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडियो में। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा।